हेलो फ्रेंड्स, न्यू हेल्दी किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के मीठे बड़े। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा केजी गेहूं का आटा। अब हम इसमें मिलाएंगे 200 ग्राम चीनी। तो चीनी डाल करके हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। और इधर मैंने गैस पर एक कटोरी पानी चढ़ा दिया है। तो पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए। पानी इतना गर्म हो कि बस उबाल आना बाकी रहे। अब हम पानी को आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक बड़े चम्मच या कलछी की सहायता से हम इसको मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हाथ से नहीं मिलाना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। हमें बड़े चम्मच की सहायता से डो को मिक्स करना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसका डो हमें न ही ज़्यादा हार्ड और न ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम डो तैयार करेंगे। और इसको बिल्कुल मिक्स करते हुए हम चलाएंगे ताकि बड़े जो है बिल्कुल फुली फुली और अंदर से जालीदार बने। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ गेहूं के आटा की मीठे बड़े बना रही हूं। इसमें न तो मैदा और न ही मीठा सोडा हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे। और बड़े इतने सॉफ्ट और बुलबुले बन कर के रेडी होंगे। तो चलिए देखते हैं बड़े कैसे बनते हैं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट रख देंगे फूलने के लिए। तो देखिए, वो बिल्कुल फूल करके रेडी हो चुका है बड़े बनने के लिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है ताकि ऑयल जो है पूरी तरह से गर्म हो जाए। हमें बिल्कुल गर्म ऑयल में बड़े को डालना है। और बड़े डालते समय गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे ताकि बड़े एक दूसरे में चिपके नहीं और बिल्कुल फूले फूले और अंदर से जालीदार बने। इस तरह से हम हाथ से बड़े को डालेंगे। तो आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो बड़े थोड़ा बड़े आकार के ही अच्छे बनते हैं। इस तरह से जितना आयल में डूब सके हम बड़े को डाल लेंगे। और जो ऊपर से थोड़ा सिक जाए तब हम इसको एक स्वेटर बुनने वाली कांटे लेंगे और उसी से इसको हम धीरे धीरे उलट पलट करेंगे। और ये जब दोनों तरफ से सिक जाए तब हम इसको छन्नी से उलट पलट करते हुए पकाएंगे। और बड़े जब ऊपर से थोड़ा सिक जाए तो अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे ताकि अंदर तक बड़े बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक बड़े बन करके रेडी हो रहे हैं तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बड़े अच्छे लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बड़े अब बन करके रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक झरनी की सहायता से निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। और बाकी बचे डो को भी हम इसी तरह से बड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसको गुलावरा या गुलगुला बोला जाता है। तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। तो मीठा बड़ा बन करके रेडी हो चुका है। तो इसको चटनी के साथ, छोले के साथ या सब्जी के साथ खाया जाता है। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगता है। तो आप एक बार अवश्य बना करके ट्राई कीजिएगा। और बड़े अच्छे लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से हम सभी बड़े को बना लेंगे और गर्मा गर्म मिल करके सभी सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आप एक दिन बनाएंगी तो 3 से 4 दिन इसको खा सकती हैं। तो देखिए, बिल्कुल बड़े बन करके रेडी हो चुके हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है।
और देखिए कितना सॉफ्ट, और अंदर से भी मैं तोड़ कर दिखाती हूँ बिल्कुल जालीदार बनता है। तो वाह, क्या बड़े बन करके रेडी हो चुके हैं।